20 से भी ज्यादा गाय बीमार और मरी हुई हैं। ना उनका दाह संस्कार हो रहा है, ना उनको कोई दवाई मिल रही है, ना उपचार मिल रहा है। और कह दिया जा रहा है कि नगर निगम ने एक प्राइवेट संस्था को एक बाबा के हवाले एक कांजी हाउस कर रखा है। आखिर नगर निगम है किस लिए? मैं पूछना चाहती हूँ पुष्कर सिंह धामी जी आपसे, सौरभ बहुगुणा जी आपसे, आप पशु पालन मंत्री हैं, क्यों आप अपने विभाग की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्यों आप औचक निरीक्षण नहीं कर रहे हैं? मैं 6 महीने पहले आई थी, तब ये नगर निगम के अंडर में था और नगर निगम ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि ये प्राइवेट संस्था को दिया गया है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगाई। तस्वीरें ऐसी विभत्स की रूह कांप जाए, हालत इतनी दयनीय कि आंखें भर जाए। कठोर से कठोर हृदय भी पीड़ा की पावक से धधक उठेगा अगर एक बार गौ माताओं की इस दुर्दशा को देख लेगा। मुझे हैरानी होती है ये बताते हुए कि काल के मुंह में समा चुकी ये वही गैया है जिन्हें हिंदू धर्म में मैया कहा जाता है। अमानवीय हालत में तड़प रही ये वही गौवंश है जिसके मूत्र से लेकर मल तक को पवित्र माना जाता है। ध्यान से देखिए, ये वही धेनु है जिसकी आप, मैं और हर हिंदू पूजा करता है और हमारे शुभ कार्यों में जिसकी उपस्थिति भर की महत्वता है। अरे, जिसके दूध को अमृत बताकर महाज्ञानियों ने धर्म ग्रंथों में इनकी महिमा का बखान किया है, जिन्हें विष्णु अवतार श्री कृष्ण ने अपना प्रिय कहा है, जिनके मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र और सिंगों में हरि और शंकर सदा विराजमान है। सवाल है कि आखिर कौन उनकी ऐसी हालत का जिम्मेदार है? आखिर किसकी लापरवाही के कारण गायों की ऐसी दुर्दशा हुई है और किसकी निर्दयता की वजह से हमें इतनी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें देखनी पड़ रही है? सवाल कई है जिनके जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। हैरानी होगी आपको सुनकर कि जिन विभत्स तस्वीरों को हम दिखा नहीं पा रहे और आप देख नहीं पाएंगे, वो कहीं और की नहीं बल्कि देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड की है, उसमें भी राजधानी देहरादून की। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीनों पहले देहरादून का एक कांजी हाउस सुर्खियों में छाया हुआ था। कांग्रेस की कुछ महिला नेताओं ने इस कांजी हाउस का दौरा किया था, जिसके बाद नेताओं द्वारा कुछ वीडियो और फोटोग्राफ प्रसारित किए गए थे, ये आरोप लगाते हुए कि कांजी हाउस में पशुओं को काफी दयनीय हालत में रखा जा रहा है। तब नगर निगम ने ये कहते हुए कि इंटरनेट मीडिया पर और वेब पोर्टल पर प्रसारित मृत गौवंश का वीडियो कांजी हाउस का नहीं है, इन आरोपों को झुठला दिया। लेकिन आज एक बार फिर केदारपुरम स्थित इसी कांजी हाउस से दिल को दहला देने वाली वैसे ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें गौवंश या तो मृत दिख रहे हैं या फिर गंभीर हालत में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कांजी हाउस की वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया है। नए प्रकरण के साथ पुराने की याद भी लोगों को आ गई है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि सोशल मीडिया पर केदारपुरम स्थित कांजी हाउस का वीडियो वायरल होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने जब कांजी हाउस का निरीक्षण किया तो यहाँ 2 गौवंश मृत मिले। इतना ही नहीं, यहाँ कई गायें ऐसी स्थिति में भी थी कि यमराज भी दया खाकर इन्हें समय से पहले मौत की शरण दे दे और इनकी पीड़ा को खत्म कर दे। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ गायों को चारा और इलाज मिलना तो बहुत दूर की बात है, गौ माताओं को कौवों के नोचने के लिए छोड़ दिया गया है। यहाँ कौवों ने गायों की आंखों को खाया हुआ है। गायों की ऐसी दुर्दशा पर इधर नगर निगम कह रहा है कि कांजी हाउस के संचालकों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, मुकदमा करेंगे, और उधर कांग्रेस पूछ रही है कि 6 महीने पहले तो आप ही संचालक थे, आपने कब और किसे संचालन सौंप दिया? बताएं कि विपक्ष ने इस मामले में केवल सिस्टम को कोसने का काम नहीं किया है बल्कि साथ ही सरकार को बेपरवाह बताकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से सवाल पूछकर और नगर निगम को फटकार लगाकर सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। दरअसल कांग्रेस नेताओं ने 6 महीने पहले यानी अगस्त 2023 में जब कांजी हाउस का निरीक्षण किया था, तब केदारपुरम स्थित इस कांजी हाउस का संचालन नगर निगम कर रहा था, इसलिए तब कांग्रेस नेताओं के निशाने पर भी नगर निगम ही आया था। अब हालांकि तब नगर निगम ने आरोपों को गलत ठहराया हो, लेकिन खबरों के मुताबिक इस मामले के 1 महीने बाद यानी कि सितम्बर 2023 में शासन ने निर्देश अनुसार कांजी हाउस का संचालन नगर निगम से लेकर हरिओम आश्रम कड़वा पानी को सौंप दिया। यहाँ आने वाले गौवंश के चारे से लेकर देखभाल और इलाज की व्यवस्था आश्रम के में सौंप दी गई। इस बात की जानकारी बहुतों को नहीं थी। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, जिन्होंने पहले कांची हाउस का निरीक्षण किया था, उन्होंने ये पूछते हुए कि क्या यही भाजपा का छदन हिंदुत्व है, एक सवाल ये भी उठाया कि अगस्त में निरीक्षण के दौरान उन्हें क्यों नहीं बताया गया कि सरकारी कांची हाउस को किसी निजी संस्था को सौंपा जा रहा है।
देखिए कांजे हाउस का संचालन नगर निगम ने कब सौंपा, क्यों सौंपा, विपक्ष को इस बात की भनक तब क्यों नहीं लगने दी, यह अलग सवाल है। वैसे भी इस मामले के खुलने के बाद डीएम के निर्देशों के अनुसार अब कांजे हाउस की देखरेख फिर से फिलहाल नगर निगम ही करेगा। पहला प्रश्न तो पहले भी यही था और अब भी यही है कि इस पूरे मामले में जो भी लोग जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई कब होगी। अगर संचालक तो संचालक, कोई और तो कोई और, लेकिन मामले की तह तक जाकर गौवंशों को ऐसी हालत में लाने वाले को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। कहीं न कहीं इंसान के वेश पे घूम रहे भेड़ियों तक इस बात का संकेत पहुंचना बेहद जरूरी है कि हिंदुस्तान में जिस पशुओं को माता का दर्जा दिया गया है, जिनकी रक्षा की बात करने वाले दलों को जनता का मत चाहता है, उसके साथ किसी तरह का दुस्साहस या बर्बरता सरकार या कानून माफ नहीं करेगी। जाते जाते बताते चले कि जिलाधिकारी सोनिका ने मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। अब बस इंतजार है तो इस खुलासे का कि कौन लोग गौवंशों की दयनीय हालत और उनकी दर्दनाक मौतों के लिए जिम्मेदार है। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द गौ माताओं के अपराधियों का सच बाहर आए, उन्हें सजा मिले, हम आज के लिए विदा लेते हैं। फिर हाजिर होंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।